ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਕਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਧ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਗੋੜੇਰਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਗੋੜੇਰਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ MLA ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ देखिए कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से मैं तरकसील सोसाइटी ऑफ पंजाब सभी और इनके चैनल के जो भी सभी दर्शक हैं इन सभी दर्शकों को मेरा पहला नमस्ते। मुझे यह पता है कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और तरकसील सोसाइटी पंजाब का जो काम है ये बिल्कुल मिला जुला काम बहुत सालों से चलता आ रहा है। जो भी कानून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से 2013 में महाराष्ट्र में बना है वो कानून पारित होने के लिए समिति के जो कार्याध्यक्ष थे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर वो करीबन 25 सालों से प्रयत्नशील थे लेकिन हर वक्त कोई ना कोई दिक्कत वो कानून की मंजूरी में आती थी। उसके लिए जो भी पूरा राजकीय सपोर्ट पॉलिटिकल सपोर्ट होना जरूरी है मिलता नहीं था लेकिन डॉक्टर दाभोलकर की जो मांग थी कि महाराष्ट्र में ऐसा कानून हो जो पूरे देश में कहीं भी नहीं हो लेकिन ये अंधविश्वास के माध्यम से बहुत सारे लोगों का शोषण होता है जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो खत्म करने के लिए जो भी हम अवेयरनेस करते हैं लोगों में जागरूकता लाते हैं वो तो करना ही पड़ेगा लेकिन उसके साथ ही साथ अगर ये हमारे काम को अगर कानून का सपोर्ट मिले तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है ऐसी दाभोलकर की राय थी और इसलिए उन्होंने बहुत सालों से महाराष्ट्र शासन के पीछे ऐसा कहा कि ये कानून महाराष्ट्र में लागू हो। जब डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई 20 अगस्त 2013 में तो उसकी उनकी हत्या के बारे में इमीडिएटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला क्योंकि गवर्नमेंट ये जानती थी कि डॉक्टर दाभोलकर की इच्छा क्या थी। डॉक्टर दाभोलकर समाज में बदलाव लाने के लिए ये कानून पारित करना चाहते थे और उनकी हत्या हुई इसके कारण इमीडिएटली सरकार ने ये कानून ऑर्डिनेंस के माध्यम से पारित कर दिया और अगला जो अधिवेशन था जो विंटर सेशन था सेशन का विधानसभा का महाराष्ट्र विधानसभा का उसमें ये कानून पारित कर दिया। ये कानून पारित करने के बाद अब तक करीबन 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के पुलिस स्टेशन में करीबन 1,500 से भी ज्यादा FIR पुलिस स्टेशन में दाखिल हो चुके हैं। इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर ये कानून नहीं होता तो ये दिन 1,500 केसेस में जो विक्टिम्स है जो भी शोषित है उनको उनका जो शोषण हुआ है अंधविश्वास के माध्यम से उनके लिए कोई ना कोई मार्गदर्शन उनके लिए जो राहत थी वो राहत शायद नहीं मिलती थी। अभी उनको वो राहत मिली है क्योंकि महाराष्ट्र में एक कानून बना है जो डॉक्टर दाभोलकर की इच्छा थी। ये कानून के अंदर जो भी घटनाएं जो भी लिखी चुकी है जो भी जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं ऐसे 12 आर्टिकल्स का समावेश किया है। ये 12 आर्टिकल्स अगर उसके अंदर जो भी लिखा है वैसे कोई प्रसंग वैसे कोई घटना वैसा कोई इंसिडेंस अगर हो जाता है तो इसका मतलब वो कानून के दायरे में गुना है और उसके लिए हम उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल कर सकते हैं। वो कोर्ट का केस चलेगा बाद में उनको जो भी पनिशमेंट है वो सब बाद में मिलेगी लेकिन जो 1,500 तक केसेस दाखिल हो चुकी है अगर ये कानून नहीं होता तो उन लोगों को न्याय मिलने की कोई भी संभावना नहीं थी। मुझे लगता है महाराष्ट्र ने एक अच्छा सा एग्जाम्पल पूरे देश के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए पूरे जग के लिए
ये कानून के माध्यम से दिया है। ये बहुत अच्छा सा कानून जिसमें नरबली है, जिसमें चमत्कारों का पर्दाफाश है, जिसमें बहुत सारे ऐसे अतार्किक दावे जो बाबा बुआ लोग तांत्रिक मांत्रिक करते हैं, उनके जो भी गतिविधियां हैं उनके खिलाफ हम पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस FIR दाखिल कर सकते हैं। इधर नाली मैं अपने दर्शकों को दसना चाहता कि जिस कानून की असं गल कर रहे हैं उस कानून की बदौलत जो धरेंद्र शास्त्री चर्चित जड़ा वह साढ़े पंजाब च अपने प्रोग्राम कर जाता है, क्योंकि कानून की अहौंद करके सरकार के चलते असं रोकण असफल रहने असं विरोध कर सकते हैं, लोगों से जा सकते हैं, पर कानून से जी सियासत पक्ष भुगतती है उत्थे ही महाराष्ट्र के उस कानून के करके उत्थों अपना बोरिया बिस्तरा तीसरे दिन ही समेटना पाया, अपने प्रोग्रामा छड़ना पाया। ये मैं अपने दर्शकों अपील भी करूंगा, पंजाबियों अपील करता कि जिहड़ा अंधविश्वासी विरोधी कानून है यह सिर्फ तरक्की सोसायटी की मंग नहीं है, एक आम आदमी के वैज्ञानिक सोच जिहड़े वाले लोग है उन्हां दी मंग है, ते सानू सारयां नू वड्डी शमूलियत करनी चाहीदी है ते अपनी सरकारां ते दबाव बना के ये जिहड़ा कानून बनाउण लई लड़ी जा रही मंग जंग है इहदे च अपना हिस्सा पड़े। इहदे नाल डॉक्टर साहब मैं दूसरी गल तुहाडे नाल करना चाहुंदा सी कि जिहड़ी साडी सोसायटी है साडा समाज है इहदे च 50% औरतां दा हिस्सा है ते तुहाडे उत्थे वी औरतां दी स्थिति ते काम करन लई तुहाडे कोल की अपना कोई वक्खरा विंग है जां किवें तुसीं उहनां ते काम करदे हो? देखिए महाराष्ट्र के जो कानून की भी बात हुई और अभी इन्होंने महिलाओं के सहभाग के बारे में पूछा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में मैं पहले कहना चाहूंगा कि उसकी जो कानून में जो लिखा है कि जो भी चमत्कार है, अगर कोई चमत्कार का दावा करता है और वो चमत्कार के माध्यम से अगर कोई आर्थिक प्राप्ति करता है, लोगों से पैसा जुटाता है, तो वो कानून के दायरे में आ जाता है। जैसे भी महाराष्ट्र में धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट हो गई, आजकल तो पॉलिटिक्स का दौर है और बहुत सारे सरकारें जो है वो सब पॉलिटिक्स के लिए या वोट बैंक के लिए इन बाबा बुआओं का, आध्यात्मिक बाबा बुआओं का उपयोग कर रही है, ऐसा हमारा मानना है। जब ये धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से जहां जहां पर उसके प्रोग्राम हुए उस प्रोग्राम के खिलाफ हमने वहां के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो उनको हमने आवेदन दिया और उनको ये कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को आप ये कहिए कि वो कानून के अंदर जो भी बातें हैं अगर उसके तहत अगर कुछ बात करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दायर दखल बिल्कुल हो सकती है। जैसे भी पुलिस ने उनको ये इंटीमेशन दे दिया तो धीरेन्द्र शास्त्री ने सिर्फ मुझे लगता है कि आध्यात्मिक बातें कही होगी और जो भी अंधविश्वास फैलाने वाली बातें होगी वो नहीं कही होगी, ये हम मानते हैं कि हमारा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कानून का विजय है। और जैसे कि सर बोला कि तीसरे दिन ही वो चले गए, इसका कारण हमने उनका पुलिस रिकॉर्ड पुलिस को ये भी कहा था कि उनके जो भाषण होगा, उनका जो भी सभा होगी या आध्यात्मिक जो प्रवचन होगा ये प्रवचन का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अगर कोई भी बात ये कानून के नजरे में जो भी गुनाह साबित हो सकती है ऐसे अगर वो बोलते हैं तो उनके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई करें, ऐसा हमने पुलिस को बोला था। पुलिस ने ऐसा भी बोला है कि हमारे कानून के अंदर जो भी बातें हैं उसके अंदर धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ भी बोला नहीं, उनका जो धार्मिक प्रवचन था वो प्रवचन करके वो चले गए, ऐसा पुलिस का उन्होंने क्लेरिफिकेशन पुलिस के माध्यम से हमें मिला था। ये हुई धीरेन्द्र शास्त्री की बात। अभी आपने जो महिला सहभाग की बात की तो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के 20 अलग अलग विभाग है, जिसमें महिला विभाग है, जिसमें युवा सहभाग विभाग है, जिसमें बुआबाजी विरोधी विभाग है, जिसमें हमारा जो मैगजीन निकलता है उसका एक विभाग है, ऐसे करीबन 20 अलग अलग विभाग या डिपार्टमेंट है और उसमें एक विभाग बहुत पहले से जो महिला विभाग भी हम उसे कहते हैं। तो ये महिला सहभाग विभाग के अंदर जो भी अब तो सब जानते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन में करीबन 50% पॉपुलेशन ये महिलाओं का है और बहुत सारे महिलाएं अंधविश्वास की शोषित रहती है और उनका बहुत सारा शोषण ये बुआ बाबा तांत्रिक मांत्रिक जो भी हो या आध्यात्मिक बुआ जो भी हो वो उनके माध्यम से बहुत सारा शोषण होता है। ये आप सभी जानते होंगे कि आपके यहाँ के बहुत सारे जो
खुद को संत कहते थे, वो संत बहुत सारे अभी सलाखों के पीछे है क्योंकि उन्होंने महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया था, ये आप सभी जानते हैं। तो ये जो महिलाओं का जो होने वाला शोषण है, वो शोषण बहुत सारे प्रथा परंपरा और विश्वास या अंधविश्वास के तौर पर होता है, और ये अगर हमें रुकवाना है, इसके बारे में महिलाओं में जन जागृति करनी है, तो मुझे लगता है और हमारे समिति को ये लगता है कि अगर महिला इसमें आ जाए और महिला अगर महिलाओं को समझाए, तो मुझे लगता है कि वो समझने में और हमारा जो सब्जेक्ट है, हम जो कहना चाहते हैं, वो बहुत आसानी से महिलाओं तक पहुंच जाएगा और बहुत सारी महिलाओं की आरोग्य से निगड़ित, तबियत से निगड़ित बहुत सारी समस्याएं भी होती है, और उसके कारण भी बहुत सारी महिलाएं बाबा बुआ के पास चली जाती है। तो उनका जो आरोग्य की समस्या है, तबियत की समस्या है, वो भी अगर हमारे महिलाओं एक्टिविस्ट के माध्यम से अगर हम उनके समस्याओं का मार्गदर्शन कर सके, उनको कोई हल इसके बारे में दे सके, तो मुझे लगता है कि वो बहुत आसानी से हो सकता है और महिलाओं की जो संख्या है वो बाबा वो उनके पास जाने की वो थोड़ी बहुत एक ना एक दिन कम होती जाएगी, और इसके लिए महिला विभाग की बहुत सारी जरूरत है। मुझे लगता है कि तरकिल सोसाइटी भी अपने अंदर एक महिला विभाग जरूर शुरू करेगा और उसको बढ़ोतरी भी देगा, और बहुत सारे महिलाओं का योगदान या सहभाग उसके माध्यम से अगर मिलना शुरू हो जाए, तो आपके राज्य में भी जो भी महिलाओं के बारे में जो भी अंधविश्वास है और जो भी समस्या है, वो सब समस्याएं थोड़ा बहुत हम हल कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। नाल इहदी गल सी कि जिहड़ा अंधविश्वास विरोधी कानून है, जिहड़ी युगांडा दी सरकार है साउथ अफ्रीका दे विच, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਰ ਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਖਰੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਖਰੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤਕਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਸਰਾਂ ਰੂਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਲਪਤ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਇਲਮ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੌਕ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਬਾਈਲ 9876653561, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01689420444।